हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में और एक और शेयर है ऑटोमोबाइल सेक्टर का और वो है अशोक लेलैंड। टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स का शेयर 302 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में ये तकरीबन 1.5 से 2% की गिरावट लेकर बैठा है। 318 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई एक ही झटके में 285 तक पहुंच गया, लेकिन बाद में फिर से रिकवरी आई, फिर से गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर अब तेजी की तरफ बढ़ रहा है। ये एक साल में देखें तो पिछले एक साल में इसने वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा पैसा बनाकर दिया है। 265% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 80 रुपए से ऐसी तेजी बनी कि 350 रुपए तक शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर एक डाउन ट्रेड मोड में अभी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में टाटा मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है उसमें उसको 27% का ग्रोथ देखने को मिला है, और बहुत बड़ी रैली बनी थी, फिर उतनी ही बड़ी गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी तेजी बनी, लेकिन 2016 से ऐसी गिरावट आई कि जो 2020 तक कंटिन्यू रही, लेकिन 2020 के बाद जो तेजी बनी है वो वाकई में शानदार है। और ये जो तेजी है वो टाटा मोटर्स के फ्यूचर बिजनेस को प्रिडिक्ट करके ये तेजी देखने को मिली, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है आने समय में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बिजनेस है उसको मार्केट अभी से एक काफी बड़ा गेम चेंजर मान के चल रहा है। और इलेक्ट्रिक बिजनेस में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है, और यही एक चीज है जो इस शेयर को और ऊपर तक ड्राइव कर रही है। लार्ज कैप शेयर है ये, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने की कोशिश करें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला था, और शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 46.41% की होल्डिंग है, 13.78% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, और 5.80% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है, और प्रमोटर है टाटा सन्स, 43.73% की होल्डिंग, और तकरीबन 2% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है, 45 म्यूचुअल फंड स्कीम और 526 जितने एफआईएस का पैसा लगा है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में सिटी बैंक है जिनके पास 10.65% की होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.95% के आसपास है। देखिए डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है ये, 2016 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया तो उसको डिविडेंड पे नहीं किया है। जो लेटेस्ट खबर है टाटा मोटर्स में वो यही है कि टाटा मोटर्स में जो पैसेंजर व्हीकल्स है उनकी जो कीमत है वो बढ़ चुकी है, और ये आप देखिए तो अभी हाल फिलहाल में जो बिक्री है वो थोड़ी सी कम हुई है, और कोरोना की वजह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है इनकी, और इसीलिए जो व्हीकल्स है उसकी भी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है टाटा मोटर्स की। टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास नहीं है, न्यूट्रल देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसी हालत में देखने की कोशिश करें तो जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर पड़ा है, और जो बिक्रियां हो रही है उसमें भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और गाड़ियों की बिक्री भी नहीं हो रही ज्यादा, क्योंकि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन की वजह से जो बिक्री है वो डिस्टर्ब जरूर हुई है, और बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन लगे हैं जिसकी वजह से इनको दिक्कत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें तो वहीं से ज्यादा रेवेन्यू निकल कर भी आता है, इसीलिए आप देखेंगे तो जो सेलिंग है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। टाटा मोटर्स की में आप देखिए 41% डिक्लाइन है अप्रैल महीने में डोमेस्टिक व्हीकल सेल में, और देखिए यही एक वजह थी, देखिए 41% का डिक्लाइन आया है, जो बिक्री हुई है वो हुई है 39,530, जबकि कंपनी है सोल्ड आप देखिए डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें तो 66,609 तकरीबन की जो बिक्री गाड़ी थी वो उन्होंने बेची थी, तो यही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें कि एक 41,000 के करीब का ही जो गाड़ियों की बिक्री हुई है, और यही एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है अभी के लिए कि जब अप्रैल में इतनी डिक्रीज आया है तो मई में तो भैया लॉकडाउन लग रहे हैं कई कई जगहों पर, तो वहां पे और ज्यादा डिक्रीज आपको देखने को मिल सकता है गाड़ियों की बिक्री में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें, 14% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। टारगेट जो अभी भी इसके बताए जा रहे हैं वो 350 से 400 रुपए तक का टारगेट इसके अभी भी बताए जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में अच्छा खासा उछाल जरूर हमें देखने को मिला था, 75,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका देखने को मिला था, अच्छे रेवेन्यू थे, बेहतर थे, और इवन पिछले कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले काफी अच्छे थे।
प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो भैया प्रॉफिट भी इनको 3,200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो वाकई में शानदार था। अब मार्च के नतीजे कब आएंगे उसके बारे में देखें तो 18 मई को नतीजे आने वाले हैं, और 18 मई एक काफी बड़ा दिन होने वाला है टाटा मोटर्स के लिए। इस दिन रिजल्ट्स आने वाले, अगर नतीजे अच्छे आए तो तेजी है, अगर अच्छे नहीं आए तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। जो जो बेहतर चीज मुझे लगी है वो यही है कि आप खुद देखिए कि दिसंबर 2020 तक टाटा मोटर्स में प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 42.39% की थी, और तकरीबन 4% की होल्डिंग उनकी गिर हुई थी। मार्च में ये जो होल्डिंग है वो बढ़ गई है, 46.41% है, मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले तकरीबन 4% से भी ज्यादा की होल्डिंग और खरीदी है टाटा मोटर्स और टाटा के ग्रुप ने, प्रमोटर्स ने। और जो 4% की होल्डिंग गिर हुई थी वो सिर्फ 2% से भी कम की गिर हुई है, मतलब अच्छी बात है। प्रमोटर खरीदारी तो कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे, छुड़ा रहे भी है। टाटा मोटर्स की अगर मैं ओवरऑल बात करने जाऊं तो देखिए पैनिक तो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि लॉकडाउन लग रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा और बिक्री के ऊपर भी असर पड़ने वाला है। थोड़ा सा शेयर थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपको ये शेयर 300 मतलब अगर 275 रुपए से नीचे मिलता है तो खरीदारी का मौका होकर उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो बने रहिए, बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नीचे जाता है तो वहां पर आप चाहे तो एवरेजिंग करते रह सकते हैं। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आता है, लॉन्ग टर्म का जो इसका पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है गाड़ियों का, और ऐसे में टाटा मोटर्स जो है वो एक सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर उभरने वाला है। दूसरा शेयर है अशोक लेलैंड, 115 रुपए के आसपास का ये शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार ये नीचे की तरफ आए हैं, 2% की गिरावट है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में आपको देखेंगे कि 42 रुपीज से इतनी बढ़िया तेजी बनी कि 135 रुपए तक पहुंच गया ये शेयर, लेकिन उसके बाद हमें लगातार नीचे की तरफ गिरावट भी आती हुई नजर आई है। लेकिन फिर भी एक साल में 145% से भी ज्यादा का ग्रोथ जरूर है। लार्ज कैप शेयर है ये, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखा जाए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊं तो यहाँ पर प्रमोटर जो है वो हिंदुजा ऑटोमोटिव है, 34.73% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 18.08% की होल्डिंग है, 9.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, और 3.97% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.23% के आसपास है। प्रमोटर के द्वारा 17% जितनी होल्डिंग गिरवी पे है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 50% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि कोरोना के केसेस अगर बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं या फिर छुट्टियां भी डिक्लेयर कर देते हैं या फिर प्लांट जो होते हैं वो उसको बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। और यहाँ पर भी वही अशोक लेलैंड स्केल डाउन प्रोडक्शन अक्रॉस प्लांट एज डिमांड डिप्स। अब देखिए जब लॉकडाउन लगेंगे, ठीक है, अब जब गाड़ी बिकेगी ही नहीं तो गाड़ियों को बना के करेंगे क्या ये लोग? तो इसीलिए होता यह है कि जब भी डिमांड कम हो जाती है गाड़ियों की तो गाड़ियों की जो प्रोडक्शन होती है उसको भी कम करना पड़ता है, क्योंकि बनाकर उनको रखने का कोई फायदा नहीं है। टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है, और उसका जो रीजन है वो भी सिंपल है कि भैया कोरोना चल रहा है और ऐसे में डिमांड कम है, और प्रोडक्शन अगर बढ़ा भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, और प्रोडक्शन बढ़ने वाला भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि कोरोना की वजह से एम्प्लॉयज की जान को भी ध्यान में रखना पड़ता है, छुट्टी उनको देनी पड़ती है। तो यही वो सारी चीजें हैं जो हाल फिलहाल में शेयर को नीचे ले जाने का काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात कर, 20% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ पर जो देखने को मिली थी दिसंबर क्वार्टर में वो यही थी कि कंपनी ने पिछले 4-5 क्वार्टर के मुकाबले सबसे ज्यादा का रेवेन्यू कमाया था, 4,813 करोड़ का रेवेन्यू, और ये बहुत शानदार था पिछले 5 क्वार्टर के मुकाबले। देखिए कोरोना से पहले भी अगर हम देखेंगे तो मुश्किल से 4,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, और कोरोना काल में तो 650 करोड़ तक भी पहुंच गया था, लेकिन अब जो है वो कोरोना काल से पहले के जो थे उसको भी बीट कर दिया था इन्होंने। नुकसान जहां पहले 57 करोड़ 388 करोड़ का था वो इस बार सिर्फ 19 करोड़ का है। अब देखने वाली बात होगी कि मार्च क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तब कैसे नतीजे होंगे, नुकसान ज्यादा होंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। हालांकि कब आने वाले इसकी कोई डेट अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है। एक मेजर कंसर्न मेरा बना है वो यहाँ पर यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग तो कांस्टेंट है 51.54% की पिछले 5 क्वार्टर्स में, लेकिन प्रमोटर के जो गिरवी शेयर्स है वो बढ़ गए हैं।
मार्च 2020 में प्रमोटर के द्वारा 9.26% की होल्डिंग गिर भी थी, दिसंबर तक वो 10.88% हुई और एक ही क्वार्टर में मार्च 2021 में वो 17.62% तक हो गई। मतलब प्रमोटर जो है अपने शेयर्स को गिरवी रख रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल मैं अशोक लेलैंड की बात करूँ तो मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं 114 रुपए के ऊपर, लेकिन हाँ 100 रुपए के नीचे अगर शेयर मिलता है तब आप यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर पसंद आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो इसका आउटलुक है वो उतना पॉजिटिव मुझे नजर नहीं आ रहा है। गिरावट के साथ चांसेस है और गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल भी सकती है। कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आपको लॉकडाउन कड़े लगते हुए नजर आएंगे कुछ कुछ शहरों में, और ऐसे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक प्रेशर जरूर बनेगा ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, और जिसमें अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों के शेयर्स में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन निचले लेवल पर, अगेन मैं कहूंगा नजर रखिएगा, यहाँ पर निचले लेवल पर खरीदने का मौका है लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों ही शेयर्स दमदार है, शानदार है और निचले लेवल पर खरीदने लायक भी है। तो 100 रुपए के नीचे अशोक लेलैंड जाए बाइंग करिए, टाटा मोटर्स 275 रुपए से नीचे जाए बाइंग करिए। डरने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखेंगे तो काफी अच्छा फायदा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।